हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज जो मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट किया था, वही स्पेशल गेम लेकर मैं हाजिर हूँ दोस्तों। और ये गेम भी जो है कृष्ण जी को समर्पित है, और इसमें जो है आप लोगों को बताना है कृष्ण जी के विभिन्न नाम। तो आइए इस गेम को देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक रिटर्न गेम है। रिटर्न गेम का यही फायदा होता है कि एक मिनट में सभी लोग एक साथ खेल लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि इस शीट का जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जो है वहां से इसका प्रिंट आउट निकालिए और फिर सभी मेंबर्स को एक एक शीट दे दीजिए और फिर लगाइए 1 मिनट या फिर 2 मिनट का टाइम्स। और जो है आपको ये इन क्वेश्चंस को, या यूं कह लो कि इन से रिलेटेड जो भी कृष्ण जी के नाम है, वो सभी मेंबर्स को बताने हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है पर्वत उठाने वाला, तो देखिए तुरंत गैस कर जाएंगे कि पर्वत उठाने वाला कृष्ण जी का नाम है गिरधर। नेक्स्ट है बांसुरी वाले, तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज आ जाती है कि मुरलीधर। नेक्स्ट है मधु दैत्य को मारने वाले पर क्या नाम दिया था, तो उसका नाम है मधुसूदन। फिर है गाय पालक या फिर गोपालक, तो उसे नाम दिया था गोपाल। फिर है पीले वस्त्र वाले, पीले वस्त्र वाले कृष्ण जी का नाम है पीतांबरधारी। नेक्स्ट है चक्र धारण करने वाले, और उन्हें नाम उनका नाम है चक्रधर। फिर है सांवले रंग के हमारे कृष्ण जी का नाम है श्याम या फिर श्याम सुंदर। नेक्स्ट है असुरों के शत्रु, और उन्हें जो है कृष्ण जी का उस समय जो है नाम था, वो था असुरासुर। फिर है वनों में विहारने वाले या वनों में विचरण करने वाले, तो उन कृष्ण जी का नाम था बनवारी। नेक्स्ट है वासुदेव के पुत्र, और वसुदेव के पुत्र का नाम दिया था वासुदेव। नेक्स्ट है द्वारिका के स्वामी, और द्वारिका के स्वामी जो है उस समय कृष्ण जी को नाम दिया द्वारकाधीश। फिर है नंद बाबा के पुत्र के रूप में कृष्ण जी को नाम मिला नंदलाल। जो युद्ध छोड़कर भागे, उस समय कृष्ण जी को नाम दिया रण छोड़। फिर है माखन चुराने वाले, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि माखन चोर। और नेक्स्ट है राधा के साथ में जो है कृष्ण जी को नाम दिया जाता है राधे श्याम। तो दोस्तों, इस गेम को खेलिए, खेलकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा दोस्तों।